नाजरीन मैं जुनेद अवैस ह्यूस्टन शहर से अभी इस वक्त साजिद खान फ्रॉम कराची जो हमारे साथ मौजूद हैं ये मेट्रो टीवी में एनालिसिस हैं तो हम इनके साथ आज कल के मैच के बारे में थोड़ा तबसरा करेंगे। साजिद भाई वेलकम टू ह्यूस्टन। बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, तमाम लोगों को तैयबा मस्जिद में बहुत खुश आमदी और जिस तरह जुम्मे तक गुजार थी और यकीनी तौर पर तमाम लोगों की दुआ थी पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज मैच 2019 जो पांचवा इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी, मगर एक क्रिकेट टीम गेम है कि सरफराज अकेले की टोकों का रुख जिस तरह तमाम लोगों ने कोशिश की सरफराज को क्रिटिसाइज करने की, देखें क्रिटिसाइज करें तनकीद करें आपका राइट है, मगर टीम गेम में तमाम लोगों की कारकर्दगी मुआयरे रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक कप्तान पे टीम नहीं चलती, हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था आज का टॉस, यकीनी तौर पर जिस तरह आपने देखा वेस्ट इंडीज की टीम के पास 4 के 5 बॉलर ऐसे जो 90 माइल से बॉल करते हैं, उनके फ्रंट से बॉलिंग करना, उन्होंने टॉस जीत के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बहुत अच्छा उन्होंने तैयारी की हुई थी। पाकिस्तान के सबक लेग स्पिनर मुश्ताक उनके बॉलिंग कोच, उन्होंने बहुत अच्छा उन पर काम किया और अपने खिलाड़ियों की वीकनेस उनको बताई हुई, उन्होंने काम किया और पाकिस्तान पे 105 रन पे तारीखी मैं कहूँगा जो बहुत ज्यादा दुनिया में खासतौर पर ह्यूस्टन में जिस तरह हम अपने मस्जिद में मौजूद थे हर आदमी को फिक्र थी पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह खेल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट की क्या कारकर्दगी है, एक बहुत बड़ा सवाल या निशान जरूर है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। फकर की बात करें, इमाम की बात करो या बाबर की बात करो, शुएब मलिक की बात या हफीज की बात, इन फॉर्म बैट्समैन ने काफी अरसे से खेल रहे हैं, मगर सिवाय फकर ने 22 रन बनाए, क्या इमाम ने 22 रन बनाए, आमिर ने 3 विकेट लिए, तो पाकिस्तान का जो टारगेट था जो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि 300 प्लस हो गए 200 प्लस हो तो पाकिस्तान फाइट कर सकता था, बारी एक अकेले जिस तरह मैंने तमाम लोगों को देखा है डिफरेंट चैनल पे सुना सरफराज को क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं है, सरफराज को अकेला थोड़ी है, सरफराज कप्तान जरूर है, कप्तान फ्रंट से लीड कर सकता है, मगर पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं जब बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग ये तमाम टीम के साथ कोचिंग स्टाफ अगर विकी की बात करूं, अजहर महमूद की बात करूं या फ्लावर की बात करूं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि चीफ सिलेक्टर साहब इनजी जो 5 वर्ल्ड कप खेले 20 टेस्ट मैच खेले, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि टीम को क्या सिलेक्ट करें, आखिरी मोमेंट में आपने वहां को सिलेक्ट करते हैं और काफी अर्से से आमिर 12 या 13 ओडीआई नहीं खेला, अगर आता है कम बैक करता है 3 विकेट हासिल करता है, मगर यहां पर जरूर यह सवाल पैदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा, पूरी दुनिया में खासतौर जिस ह्यूस्टन में जिस तरह हम बैठे हैं पूरी दुनिया में बहुत लोग बहुत फिक्र है पाकिस्तान की कारकर्दगी से, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम 92 फॉर्मेट में खेला जा रहा वर्ल्ड कप, जो 92 वर्ल्ड कप हम जीते तो हर टीम के साथ मैच खेलना होगा, अगला मैच आपने 3 तारीख को इंग्लैंड से खेलना है, इंग्लैंड जो यकीनी तौर पर सबसे मजबूत टीम है, जैसे अयाज भाई ने भी बताया 5वीं जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जा रहा है फेवरेट टीम है, तो यहां पर ये जरूर पाकिस्तान को मैनेज करना पड़ेगा इंग्लैंड के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो साजिद भाई आपने कोई सोचा कि इसके लिए टीम की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि इस वक्त हम ऑलरेडी वेस्ट इंडीज से खेल चुके हैं और दूसरी बड़ी टीम इंग्लैंड जो कि वर्ल्ड कप 5 दफा खेल चुकी है, और आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए हमने कोई स्ट्रेटेजी अपनाई है? देखिए ये कोचिंग स्टाफ का काम है, मॉडर्न क्रिकेट में एलिस्ट के बड़े अहम रोल हो गए और एलिस्ट जो रखते हैं वो बहुत ज्यादा हर चीज से तैयारी करके आता है, उसको ये पता होता है कहाँ से बॉलर कौन सा बैट्समैन क्या गलती कर रहा होता है, वो सारी चीजें उस पर तैयारी की जाती है, उस पर रिसर्च की जाती है, मगर बदकिस्मत की हमारे जो अपने एनालिस्ट है उस तरह के एनालिस्ट नहीं है जो दुनिया में तमाम चीजें मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज्यादा आगे चले गए, शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट आपने देखा 2020 की वर्ल्ड रैंकिंग में हम लोग आगे चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पाकिस्तान में जब से आपने देखा 2 एंड से नई बॉल का यूज होना है और जब से 5 फील्डर दायरे में आ गए हैं तो पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ को चाहिए किस प्लानिंग के तहत आपको अगला मैच खेलना है, डू एंड डाई मैच होता है, और जिससे जिस तरह आज मेरे ख्याल में जिस तरह की पाकिस्तान की कारकर्दगी थी जिससे बड़ा मायूसकुन कारकर्दगी थी, तमाम बैट्समैनों की बात करूं बॉलर की बात करूं उस तरह की बॉलर नहीं की, मगर सारे लोग एक ही बंदे को कह रहे हैं सरफराज को तो हटा दो, सरफराज को हट जाएगा टीम यही रहेगी या सरफराज से हटने से टीम बेहतर हो जाएगी, ये आपको पहले सोचना चाहिए, मगर सरफराज वाहिद बंदा है जो यकीनी तौर पर तमाम सलाहियत रखता है टीम को कम बैक कराने की, उसमें तमाम सलाहियतें मौजूद। अच्छा एक सवाल मैं कर सकता हूँ जी, हमारी पब्लिक आपसे एक सवाल करना चाहती है। साजिद भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि दूसरा जो मैच इंग्लैंड जैसी पावरफुल टीम से होने जा रहा है इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब बहुत मुकाबला सख्त होगा फिर पाकिस्तान को जितना। देखिए अयाज भाई जिस तरह आपने भी कहा इंग्लैंड की टीम 5वीं दफा ये वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रही है और 5वीं दफा इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल में इंग्लैंड
2019 से सबसे मजबूत टीम नजर आ रही है और यकीनी तौर पर जिस तरह की इंग्लैंड की कारकर्दगी तमाम शोबों ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। जिस तरह उन्होंने पिछला मैच अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका को 207 रन पे आउट किया और यहाँ पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत शानदार बॉलिंग की है, बहुत शानदार बैटिंग की है, फील्डिंग की है, तो मैं समझता हूँ होम एडवांटेज उनके पास मौजूद है और दूसरा मैच पाकिस्तान को इसी ग्राउंड पे खेलना है। जो मेरा भी अपने जराए नाकस राय कहती है टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस जो होता है वो आधा यकीनी तौर पर जिस तरह आज भी टॉस जीता वेस्ट इंडीज ने और पाकिस्तान को बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान को तमाम इन चीजों को भुलाकर और नए मैच नए दिन के साथ जाना चाहिए क्योंकि टेस्ट मैच पर रात आती है, ओडीआई में रात नहीं आती, तो आपको उसी दिन थारा डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है और मैनेजमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग कोच अजहर महमूद उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जिस तरह की उनको दिखाना चाहिए, यकीनी तौर पर उन पर तमाम डुए बॉलर को अगर यहां पर देखा जाए बॉलर किस तरह यूज करते हैं, हमारे बॉल रिवर्स स्विंग करना भूल गए जो वसीम वकार पहले बॉलिंग करते थे, उस तरह के आजकल के बॉलर हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर जो भी है ये बॉलर बहुत अच्छे हैं, इनसे हमें काम करना चाहिए। वह आपके पास रिवर्स स्विंग करने का आर्ट है, आमिर ने प्रूफ किया, टीम विकेट हासिल की है, मगर इंग्लैंड की टीम बहुत पॉजिटिव है मगर